रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रात को अनीशा अपने पति प्रिंस के साथ सो रही होती है, तभी आधी रात को अचानक लाइट चली जाती है और गर्मी में उसका बुरा हाल हो जाता है। तभी नींद में उसकी सास पूनम आती है और अनीशा को जगाते हुए कहती है, अरे बहू जरा दरवाजा खोल। हाँ माँ जी। चलो आज सारे छत पे सोएंगे। जी माँ जी आती हूँ। बिस्तर ले लियो और हाँ प्रिंस को भी जगा दियो। हाँ माँ जी। अनीशा बिस्तर लेकर छत पर जाती है और सभी के लिए नीचे फर्श पर बिस्तर लगा देती है। सभी लोग मिलकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो जिस बिस्तर पर अनीशा सोई थी वहाँ का बिस्तर और उसके बेड के साइड के सारे कपड़े गीले होते हैं। ये सब देखकर उसकी सास अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, हे प्रभु ये कैसी बहू मिली है मुझे बिस्तर पे सूसू करने वाली। माँ जी मैंने नहीं किया ये सब। अरे तो क्या भूत तेरे ऊपर सूसू करके चला गया। माँ जी जब मैं बोल रही हूँ मैंने नहीं किया तो आप मान क्यों नहीं लेती है। अरे कैसे मानू सारा बिस्तर सड़ा दिया तूने। माँ सही तो बोल रही है अनीशा, हाथ धोती है किसी चीज की। अरे मेरा निक्कर भी गीला कर दिया तुमने, इतना ज्यादा किया है। क्या बताऊँ यार मैंने सच में कुछ नहीं किया। चुप रहो एकदम। ऐसे ही शाम को प्रिंस ऑफिस से घर आता है तो वो रात को डिनर करते टाइम बोलता है, माँ अनीशा मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ तो आप दोनों इस घर का और खुद का अच्छे से ध्यान रखना। मगर आप कब तक लौटेंगे। अभी तो बस इतना पता है कि कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, क्या पता वहाँ जाके और समय लग जाए। मत जाओ ना। हाँ ताकि तुम्हारे साथ सोऊं और तुम रात भर सूसू करके मेरी निक्कर की बुरी हालत कर दो। अगर ऐसी बात है ना तो चले जाओ, मैं नहीं रोक रही तुम्हें। अगले दिन प्रिंस वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रात को दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाती हैं और उसके बाद अचानक से फिर लाइट चली जाती है, इसलिए वो दोनों छत पर जाकर सोने लगती हैं। अगली सुबह जब अनीशा उठती है तो देखती है कि उसका बिस्तर और उसकी साइड के कपड़े गीले हो गए हैं। तभी उसकी सास भी उठ जाती है और फिर से उससे बोलती है, हे राम जी अरे कैसी औरत है तू, इतनी बड़ी हो गई लेकिन बच्चों वाली हरकत नहीं गई तेरी। माँ जी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे तू तो नींद में होती होगी तभी ये सब कर देती होगी। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है माँ जी कि मैं ही ये सब कर रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि जब भी मैं छत पर सोती हूँ तभी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अरे मुझे तो ये सोचकर बड़ी शर्म आती है कि तू ये सब कैसे कर लेती है, जब तेरे बच्चे हो जाएंगे तब उनके साथ मिलकर बिस्तर गीला करेगी। छी छी। माँ जी अब से नहीं होगा, आई प्रॉमिस। देखते हैं, सुबह सुबह जब भी उठो महारानी के सुसु के दर्शन हो जाते हैं, चलती फिरती टंकी बन गई है ये तो। अनीशा बिस्तर पर सुसु करने की बात से बहुत दुखी हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है, साथ ही लैपटॉप पर इसके घरेलू उपाय को देखना शुरू कर देती है। फिर जैसे वीडियो में बताया जाता है वो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो अनार के छिलकों को धूप में सुखा देती है और थोड़ी देर के बाद उन्हें मिक्सी में पीस कर उनका पाउडर बना लेती है। उसको ये सब करता देख कर उसकी सास कहती है, क्या कर रही है बहू। माँ जी वो मैंने अपनी इस बीमारी की दवा बनाई है। बीमारी, मगर कौन सी बीमारी। बिस्तर पर सुसु करने की। अरे बहू ये सब यूज मत कर, मैं खुद तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, तू चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अब। हाँ हाँ रुक जा कुछ दिन, मैं तेरा इलाज खुद करवाऊंगी, मगर ये सब मत खा बहू। सास के कहने पर अनीशा मान जाती है। ऐसे ही एक रात अनीशा अपने कमरे में अकेली सो रही थी कि अचानक लाइट चली जाती है, मगर अनीशा उसी गर्मी में सोई रह जाती है और अगले सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि ना तो उसका बिस्तर गीला है और ना ही उसके कपड़े। ये देखकर अनीशा चौंकते हुए कहती है, ये क्या, आज मैंने सुसु नहीं किया, जब भी मैं छत पर सोती हूँ तभी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है, तभी मुझे बेड पर सुसु क्यों आता है। मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ तो जरूर है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। ऐसे ही एक रात बहुत ही ज्यादा गर्मी होने के कारण दोनों सास बहू छत पर सोने जाती हैं और आधी रात को पूनम एक गिलास पानी लेकर आती है और वो अनीशा के बेड साइड पर पानी गिरा देती है। अनीशा सोने की एक्टिंग कर रही होती है, उसको अब पता लग जाता है कि ये सब कुछ उसकी सास ने किया है, मगर वो कुछ नहीं बोलती बल्कि मन ही मन सोचती है, अब
पता चला, इसके पीछे मेरी प्यारी माझी का हाथ था। इसका बदला तो मैं जरूर लेकर रहूंगी। मुझ पर सुसु निकलने का झूठा इल्जाम लगवाया था ना आपने, अब देखना आपका तो ना मैं सच में सुसु निकलवा दूंगी। इसी तरह कुछ दिनों के बाद प्रिंस भी घर वापस आ जाता है और घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ कैसा है सब? क्या बताऊँ बेटा, तेरी इस बहू ने तो बिस्तर पे सुसु कर करके मेरा जीना हराम कर रखा है। क्या अभी भी यही हाल है इसका? हाँ बेटा, क्या बताऊँ, तू ही करना इसका कुछ इलाज। तभी वहाँ पर पानी का गिलास लेकर अनीशा आ जाती है और पानी प्रिंस को देते हुए वो कहती है, माँ जी नींद में हो जाता है, इसमें शर्माने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ हाँ, ये कांड करते करते तो अब तू बेशरम हो गई है ना? आप कुछ भी कह सकती है माँ जी, क्योंकि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं होता। जबान तो देखो महारानी की कितनी चलती है। अनीशा तुम चुप रहो यार, पहले अपनी ये बुरी आदत सुधारो। हाँ हाँ, तुम तो अपनी माँ का साथ ही दोगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूनम सो रही होती है, तभी उसके सर के पास एक सफेद साड़ी पहने अजीब सी डरावनी औरत खड़ी होती है और वो पूनम से कहती है, ए बुढ़िया उठ जा, बहुत मौज ले ली तूने, चल अब तेरा समय आ गया है। कौन हो तुम? चुड़ैल आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आज तो मैं तुझे लेकर ही जाऊंगी। तभी मौका देखकर पूनम वहां से भागने लगती है और एक कोने में छुप जाती है। चुड़ैल वहां भी उसका पीछा करते करते पहुंच जाती है। ऐसे में पूनम डरते हुए कहती है, आई दादा अरे मुझे जाने दो, डर के मारे मेरा सूसू निकल जाएगा। आज तो नहीं बचेगी, आज तो मैं तुझे छत से गिरा कर ही मारूंगी। जहनमानी अनगुन सागर जे कभी तीव लोग हो जाकर। बोला ना, नहीं बचेगी तू। पूनम इतना ज्यादा डर जाती है कि डर के मारे वो सच में टॉयलेट कर देती है। तब वो चुड़ैल अपने असली रूप में आती है, क्योंकि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उसी की बहू अनीशा थी। इतने में वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है और ये सब देखकर पूनम को बहुत गुस्सा आता है और अनीशा को वो एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, खबरदार अगर आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो आज तेरी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। माँ जी अगर आप मजाक सह नहीं सकती हैं, तो मजाक किया भी मत कीजिए। अरे आप रोज रोज मेरे सोते हुए मेरे और मेरे बिस्तर के ऊपर पानी गिरा देती थी और मुझ पर झूठा सुसु का इल्जाम लगा देती थी, लेकिन ये क्या, आज तो आपका डर से सच में सुसु निकल गया। पूनम को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ पूनम की ही गलती थी, जिसके बाद वो कभी भी अपनी बहू के साथ ऐसा मजाक दोबारा नहीं करती और तीनों सास बहू और बेटे एक साथ खुशी खुशी फिर से अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये बेड पे सुसु करने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।